दोस्तों आप देख रहे हैं राठौर इलेक्ट्रिक वर्क सेंटर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम चेंज ओवर के कनेक्शन आपको करके दिखाएंगे। दोस्तों आजकल क्या है, बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, घर में 2 मीटर लगवा लेते हैं, तो 15 दिन 1 मीटर से घर की बिजली जलाते हैं और 15 दिन दूसरे मीटर से घर की बिजली जलाते हैं। तो उसके लिए दोस्तों हमें चेंज ओवर लगाना पड़ता है, क्योंकि 15 दिन दूसरा मीटर काम करे और 15 दिन दूसरा मीटर काम करे। इसलिए दोस्तों अब हम इस चेंज ओवर को अपने घरों में लगाने लगे हैं। पहले दोस्तों हम जनरेटर के लिए इस चेंज ओवर का उपयोग करते थे, क्योंकि घर में हम लाइट जलाने के लिए मीटर का उपयोग करते हैं और लाइट चली जाने के लिए जनरेटर का उपयोग करते थे, तो उस समय हम इस चेंज ओवर का उपयोग करते थे। पर आजकल दोस्तों हमें 2 मीटर लगाना पड़ रहा है घरों में, इस वजह से दोस्तों हम इस चेंज ओवर का उपयोग करने लगे हैं। दोस्तों यह 32 एम्पियर का चेंज ओवर है, जो कि 240 वोल्ट एसी पर वर्क करता है। इसमें दोस्तों यह इसका स्विच लगा रहता है, जो कि बीच में जब हम करते हैं तो ऑफ हो जाता है और ऊपर करते हैं तो ऑन हो जाता है पहला वाला मीटर, और नीचे करते हैं तो दूसरा वाला मीटर ऑन हो जाता है। दोस्तों YouTube पर काफ़ी कठिन तरीके से इसके कनेक्शन बताए हैं, मैं अपनी वीडियो में बिल्कुल सरल तरीके से इस चेंज ओवर के कनेक्शन आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों चलिए इसे खोलते हैं। देखिए दोस्तों मैंने कनेक्शन पहले ही करके इसके रखे हैं। चलिए इसके इन कवर को हम बाहर निकाल लेते हैं, तब कनेक्शन आपको देखने में बहुत ही आसानी होगी। तो इस प्रकार से हमने इन कवर को बाहर निकाल लिया है। अब दोस्तों मैंने इस पर कुछ कोडिंग भी करी है, ताकि हमें कनेक्शन करने में बहुत ही आसानी रहे, किसी प्रकार की परेशानी ना हो। देखिए दोस्तों चेंज ओवर में दोस्तों 4 कनेक्शन ऊपर की ओर रहते हैं और 4 कनेक्शन नीचे की ओर रहते हैं। दोस्तों जो पॉइंट खाली होते हैं उन पॉइंटों में हम मीटर के कनेक्शन करेंगे। ऊपर वाले पॉइंट में हम पहले मीटर का कनेक्शन करेंगे और नीचे वाले पॉइंट में हम दूसरे मीटर का कनेक्शन करते हैं। जिन पॉइंटों में पत्ती लगी रहती है वहाँ पर दोस्तों हम घर की सप्लाई को देते हैं। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए और ध्यान रखकर ही कनेक्शनों को करना चाहिए। इसमें दोस्तों मैंने ऑलरेडी कनेक्शन कर लिए हैं और इन पर जो कोडिंग है इसी के अनुसार हमें कनेक्शन करना चाहिए। जहां पर M प्लस लिखा है वह मीटर प्लस कनेक्शन है, और जहां पर G प्लस लिखा है वह घर की प्लस का कनेक्शन है। जहां पर M माइनस लिखा है वह मीटर के माइनस का कनेक्शन है, और जहां पर G माइनस लिखा है वहाँ घर के माइनस का कनेक्शन है। तो दोस्तों इस प्रकार से यह कनेक्शन है, और नीचे की ओर दोस्तों M प्लस लिखा है यह मीटर की प्लस का कनेक्शन है, और जहां पर M माइनस लिखा है यह मीटर के माइनस का कनेक्शन है। दोस्तों यह दूसरे वाले मीटर का कनेक्शन है, और ऊपर यह पहले वाले मीटर का कनेक्शन है। जिनमें 2 पॉइंट आपस में जुड़े रहते हैं इनमें दोस्तों हमें घर की लाइट का कनेक्शन देना पड़ता है, और इसमें हम कनेक्शन करने की आवश्यकता नहीं है, एक ही ओर से घर के कनेक्शन बाहर निकल जाते हैं और सप्लाई घर के अंदर चली जाती है। इसमें जो कोडिंग की गई है उस पर मैं आपको जानकारी देता हूं। जो M प्लस लिखा है वहां पर हम मीटर का प्लस कनेक्शन देंगे, और यहां पर G प्लस लिखा है यहां पर हम घर की लाइट का प्लस कनेक्शन जोड़ेंगे। आप यहां पर देख सकते हैं यह मैंने प्लस कनेक्शन दिए हैं, और दोस्तों दूसरी ओर यहां पर मैंने माइनस का कनेक्शन जोड़ा है, जो कि M1 का है, मतलब मीटर का माइनस है, और यहां पर यह G प्लस G माइनस है, जो कि घर का माइनस है। तो यहां पर यह कनेक्शन घर के कनेक्शन है, और यहां पर यह कनेक्शन मीटर के कनेक्शन है। ध्यानपूर्वक देखिए दोस्तों यहाँ पर जब हम लीवर को ऊपर की ओर घुमाते हैं तो
तो यह जो पत्ती हैं ऊपर कनेक्शन से लग जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो दोस्तों यह प्लस वाला मीटर का कनेक्शन जब इसमें जुड़ जाता है तो यहाँ पर प्लस करंट वायर इस ओर भी आ जाता है। तो दोस्तों इस ओर आ जाने पर यह भी दोस्तों घर के लिए प्लस कनेक्शन है, इसमें वायर जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, ना ही इस दूसरी ओर माइनस का कनेक्शन जोड़ने की ज़रूरत है। हम एक ओर से ही कनेक्शनों को बाहर निकाल लेते हैं। इस प्रकार देखिए यह घर के लिए कनेक्शन निकाले गए हैं। दोस्तों यह मीटर का कनेक्शन हो गया, आप ध्यान से देखिए इसका प्लस वायर इसमें जुड़ा है और इसका माइनस वायर दूसरी ओर इस खाली पॉइंट में जुड़ा है। जिस पॉइंट में पत्ती एक दूसरे कनेक्टर से जुड़ी रहती है उसमें हमें घर के कनेक्शन देना है, और जिसमें पॉइंट में पत्ती नहीं जुड़ी रहती है उसमें हमें मीटर के कनेक्शन देना है। अब दोस्तों दूसरी ओर का मीटर का कनेक्शन आप देख लीजिए, यहाँ पर जो खाली पॉइंट है जो एक दूसरे से जुड़ा नहीं है उसमें हम मीटर का प्लस कनेक्शन जुड़ रहे हैं, और दूसरी ओर जिसमें कनेक्शन एक दूसरे से नहीं जुड़ा है उसमें हम माइनस पॉइंट को जुड़ रहे हैं। तो दोस्तों हमारे कनेक्शन इस प्रकार कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए दोस्तों हम इसे आपको जलाकर दिखाते हैं। दोस्तों मैंने इस बल्ब का कनेक्शन इस घर की लाइट में कर दिया है। अब चलिए दोस्तों हम इस मीटर के कनेक्शन को इस बोर्ड में लगाते हैं, और इसके बाद हम इस लीवर को ऊपर की ओर प्रेस करते हैं। तो देखिए दोस्तों बल्ब जलने लगा है, ऊपर की ओर चालू करने पर ऑन करने पर बल्ब जलने लगा है। अब दोस्तों जब हम इस लीवर को नीचे की ओर करेंगे तो यहाँ पर हमें कनेक्शन मीटर के लगाना पड़ेगा, तब जाकर यह बल्ब ऑन होगा। तो हम इस मीटर के कनेक्शन को अब बदल देते हैं। तो इसको कनेक्शन हम निकाल लेते हैं, और अब दोस्तों हम इस दूसरे वाले मीटर का कनेक्शन बोर्ड में कर देते हैं, और अब हम लीवर को नीचे की ओर प्रेस करेंगे। ऑफ हो गया है, अब नीचे की ओर प्रेस करेंगे। तो देखिए दोस्तों बल्ब जलने लगा है, हमारा कनेक्शन पूरी तरह से सही है, किसी भी प्रकार की इसमें प्रॉब्लम नहीं है। और घर की लाइट में दोस्तों प्लस की जगह प्लस जाएगा और माइनस की जगह माइनस जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। घर की लाइट में प्लस ही कट होगा स्विच से, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों आपने इसके कनेक्शन देख लिए हैं, मैंने कितनी सरलता से इसके कनेक्शन आपको समझा दिए हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो देखकर चेंज ओवर के कनेक्शन करना आ जाएगा। दोस्तों इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही यदि कोई प्रश्न हो तो कमेंट करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बेल बटन को प्रेस जरूर करें ताकि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।